नमस्कार, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। वायरस की दूसरी लहर ने देश में पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजाना 1 लाख से भी ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और वहीं बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। वैक्सीन के अलावा इस वायरस से बचने का सबसे कारगर तरीका है सावधानी बरतना। इसके अलावा एक और काम है जो हम सभी को करना चाहिए, वो है अपने लक्षणों पर नज़र रखना। म्यूटेशन की वजह से हर थोड़े थोड़े दिन में कोरोना वायरस का रूप बदल रहा है, जिसके चलते उसके लक्षणों में भी बदलाव दिखने को मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है, जिन्हें ना बुखार आया है और ना ही सर्दी जुकाम हुआ है। ये सभी लोग ऐसे थे जो बदन दर्द, सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और जब उनका RT-PCR टेस्ट हुआ तो पता चला कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इससे ये साफ होता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पेट दर्द, बदन दर्द जैसे लक्षणों को ना करें इग्नोर। डॉक्टरों की माने तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही हैं। कोरोना के पहले लहर में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने की वजह से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अभी भी कोरोना की यही लक्षण है। यही वजह है कि बहुत से लोग पेट दर्द, सिर दर्द या बदन दर्द की समस्या होने पर डॉक्टरों के पास जाने के बजाय घर पर ही घरेलू नुस्खों से इलाज करना ज़रूरी समझ रहे हैं। लेकिन जब लंबे समय तक बीमारी ठीक नहीं होती तब वे डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक वायरस शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बदन दर्द या पेट में दर्द की समस्या हो तो देर किए बिना कोरोना का टेस्ट ज़रूर करवाएं। कोरोना का नया स्ट्रेन युवाओं और बच्चों को भी तेज़ी से संक्रमित कर रहा है, इसीलिए इस बार ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सिर्फ टेस्टिंग से ही यह तय होगा कि कोरोना मरीज पूरी तरीके से उबर चुके हैं या नहीं। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह सलाह दी है कि सभी कंफर्म और सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के मरीज पहले तो लक्षण मुक्त होने चाहिए, उसके बाद 24 घंटे में कम से कम 2 बार वायरस के लिए टेस्टिंग नेगेटिव होनी चाहिए। वहीं CDC ने अपनी ताज़ा गाइडलाइन में कहा है कि अगर कंफर्म या सस्पेक्टेड COVID-19 मरीज बुखार कम करने वाली दवा के इस्तेमाल से 3 दिन के अंदर फीवर फ्री हो जाए या लक्षण शुरू होने के बाद 7 दिन में फीवर फ्री हो जाए और इस दौरान उसके रेस्पिरेटरी लक्षणों में भी सुधार हो जाए तो उसे रिकवर्ड माना जाएगा। हालांकि इस कंडीशन में भी मरीज को 7 दिन निगरानी में रहना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, व्यक्ति में पहले से किस तरह की बीमारी होने पर हाई रिस्क होता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट की बीमारी, अस्थमा या फेफड़े की बीमारी, कैंसर पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज, HIV या एड्स, गंभीर रूप से मोटापा, डायबिटीज़, किडनी की बीमारी या लिवर की बीमारी हो या फिर इम्यूनोडिफिशियंसी हो तो ऐसी स्थिति में वो मरीज हाई रिस्क पेशेंट माना जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडिया में पिछले साल से लेकर अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं उसमें रिकवरी रेट 99% है और डेथ रेट 1% है। यानी इसे पॉजिटिव तरीके से लें और सारे प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। इस पैंडमिक से लड़ने में अपना योगदान दें, मास्क पहने और भीड़ से दूर रहें। देश दुनिया की ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।